चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। इंडिया अलायंस की कुछ जो नेता हैं, उनका पाकिस्तान प्रेम कैसा रहा है यह भी देश की जनता ने सुना है, और हम ऐसा मानते हैं कि चुनाव इस देश में हो रहा है। देश के खिलाफ जो ताकतें हैं, देश के खिलाफ जो मुल्क हैं, वो नहीं चाहते होंगे कि भारत में एक सशक्त सरकार बने। तो अब यहाँ के नेता अगर इस तरह की मनोकामना करते हैं, उनकी विचारधारा से इत्तफाक रखते हैं, इसी बात को प्रधानमंत्री जी ने उजागर कर दिया है। देश के लोग उम्मीद भरी नज़रों से, आशा भरी नज़रों से अपने नेता की तरफ देखते हैं। वो चाहते हैं कि उनको एक मजबूत, एक सशक्त और धारदार नीति वाला प्रधानमंत्री चाहिए। तो जब बात करें तो पूरे दुनिया के सामने देश का सर ऊंचा हो सके और एक बड़े मनोबल के साथ बात करें। कायर और दबे कुचले मनोबल वाला नेता किसी को पसंद नहीं आता। समीक्षा करने की क्या ज़रूरत है उनको? भाई समीक्षा तो उन्होंने कर ही ली होगी, और अगर समीक्षा नहीं की है तो हम बता देते हैं कि 1 जून को जब एग्जिट पोल आएंगे और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो बहुत बुरी हार इंडिया गठबंधन वालों की होगी। राष्ट्रीय जनता दल के पास बिहार में यह चैलेंज होगा कि 0 से 1 सीट जीत कर दिखाएं। कांग्रेस पार्टी के पास देश में यह चैलेंज होगा कि जीत हार की चर्चा ना करें। देश में अगर विपक्ष के नेता की कुर्सी हासिल कर लेंगे तो बड़ी बात होगी। मुड़ी कटवा पार्टी नाम किसने दिया था, आप सबको मालूम है इस बिहार में। और इन पार्टियों की विचारधारा क्या होती है? जाति के नाम पर द्वेष फैलाना, उन्माद भड़काना, लोगों की भावनाओं से खेलना और तब जाकर कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक लाभ लेना। बिहार उस दौर में कभी नहीं जा सकता जब जाति के आधार पर इस तरह के बयान दिए जाते थे, जातीय नरसंहार होते थे और लोग इसका फायदा उठाते थे। नीतीश कुमार जी का बिहार है, आगे भी मजबूती से सरकार ऐसी ताकतों को कभी पनपने नहीं देगी।